मध्य प्रदेश के सागर में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसका पूर्व नाम सागर विश्वविद्यालय है, शिक्षा के क्षेत्र में नित्य नए आयाम रच रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने 18 जुलाई 1946 को की थी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के सागर जैसे सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने के लिए किया गया। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर गौर उन उल्लेखनीय व्यक्तियों में से एक है जिनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। डॉक्टर गौर एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा, उद्देश्य की दृढ़ता और कभी न हार मानने वाले जज्बे और बलबूते से अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। डॉक्टर गौर का व्यक्तित्व एक वक्ता, एक साहित्यकार, एक वकील, एक शानदार वार्ताकार, एक प्रख्यात न्यायविद, एक देशभक्त, एक साहस समाज सुधारक के रूप में सामने आता है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ उच्च शिक्षा की नई संभावनाओं के द्वार खुले हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा वर्ष 2023 में A+ की ग्रेडिंग मिली। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है और यहाँ के छात्र देश सहित दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। द वीक हंसा रिसर्च बेस्ट यूनिवर्सिटीज सर्वे में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सूची में 7वां स्थान प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय में 14 राज्यों से शिक्षक छात्रों को निरंतर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने का कार्य लगातार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सागर में स्थित डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के चांसलर कन्हैया लाल बीरवाल और विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता के नेतृत्व में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। इसमें विगत वर्षों में AIU की गवर्निंग काउंसिल मेंबर के रूप में, ताइवान IGSTC DST की गवर्निंग काउंसिल मेंबर की हैसियत से ड्रेसडिन, जर्मनी तथा इंडो नेपाल कुलपति सम्मेलन में काठमांडू में प्रतिभागित कर इंडो ताइवान, इंडो जर्मन तथा इंडो नेपाल शैक्षिक संबंधों को सबल किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सेंट्रल जोन कुलपति सम्मेलन में विश्वविद्यालय की कुलपति विशेषज्ञ वक्ता तथा अध्यक्ष के रूप में वो शामिल हुई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सिर्फ एक राष्ट्रीय पटल पर ही नहीं है बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी है। पिछले 2-3 महीनों में मेरा ट्रिप एक बार ताइवान लगा, जिसमें मैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की मेंबर के नाते मैं वहाँ पर गई थी। उसके पश्चात मैं DST जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के गवर्निंग बोर्ड के मेंबर की हैसियत से मैं जर्मनी गई थी और हाल ही में नेपाल भी गई इन द इंडो नेपाल AIU कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर्स। और इन तीनों जगह में मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हम जो अपने विश्वविद्यालय को शोकेस कर सके, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ गया। नेपाल में विश्वविद्यालय का एक स्टॉल भी लगा था जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी नेपाल के, उन्होंने भी विजिट किया और बहुत सराहना की। किसी भी विश्वविद्यालय के लिए ए ग्रेड पाना या उत्कृष्टता की ओर बढ़ना, ये NAAC जो NAAC असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसके द्वारा ये किया जाता है। तो ये विश्वविद्यालय शुरू से ही डॉक्टर हरि सिंह गौर के आशीर्वाद से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय ने न सिर्फ शैक्षणिक विभागों में बल्कि कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से स्किल एजुकेशन प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जहां 19 पाठ्यक्रम संचालित हैं। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए प्लेसमेंट की सुविधा लगातार प्रदान करवाई जा रही है। वर्ष 2023-24 में इस विश्वविद्यालय के लगभग 90 छात्र छात्राओं का देश की विभिन्न निजी क्षेत्रों की कंपनियों में रोजगार हेतु चयन हुआ है। विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग के 100% छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट मिला। विश्वविद्यालय के व्यवहारिक भूविज्ञान के छात्र लगातार भूवैज्ञानिक के रूप में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं तथा राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सफल रहे हैं। इस तरह विश्वविद्यालय के विद्यार्थी लगातार सफल हो रहे हैं तथा देश के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षक के रूप में चयनित होकर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं।